नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक प्रकृति की भगवान के द्वारा बनाई गई एक अनूठी ऐसी कृति के बारे में बात करना चाहता हूँ। इस एक ऐसी छटा, एक ऐसा परिदृश्य इस प्रकृति का एकदम अमूल्य और अतुलनीय है। ऐसी महाशक्ति का जो कि अपने गर्व से अनेक संतों को, महात्माओं को जन्म देती है। ऐसी अनूठी कृति जिसके गर्व में हमारा कल का भविष्य छुपा हुआ है, ऐसी अनूठी कृति, ऐसी महाशक्ति को मैं नमन और वंदन करता हूँ। दोस्तों, महिला की एक ऐसी कृति भगवान ने बना रखी है कि जो कि सबसे हट करके है। देखा जाए, अगर बात की जाए महिला की, तो महिला के पास इतने रूप होते हैं, इतना अनूठा संग्रह होता है, इतना कैरेक्टर्स होते हैं कि प्रत्येक कैरेक्टर में अपने हिसाब से अलग अलग तरीके से ढल जाती है। जब शुरुआत में एक महिला एक बच्चे को जन्म देती है, उसको उसका दूसरा जन्म माना जाता है, तो उसके गर्भ से जो संतान पैदा होती है, पुरुष है चाहे स्त्री है चाहे बालिका है, तो बालिका की जो किलकारी से हमारा पूरा आंगन ऐसा झूम जाता है, उसकी किलकारियों से मन आह्लादित होता है और बहुत सुंदर सा वातावरण माहौल तैयार हो जाता है। जब बच्ची धीरे धीरे बड़ी होती है, तो एक भाई के साथ एक दोस्त का जैसा बर्ताव करती है, अपनी प्रत्येक सामग्री का शेयर करती है और अपने भाई को प्रत्येक कठिनाइयों से बचाने की भरपूर कोशिश करती है। उसके बाद जब वो कुछ बड़ी होती है, तो बेहतर तरीका से एक दोस्त का रोल अदा करती है, एक प्रेमिका का रोल अदा करती है, साथ ही अपनी माता पिता की सेवा के प्रति बहुत ही ज़्यादा जुझारू रूप से लगी होती है। ऐसी अनूठी कृति है स्त्री। जब वो बड़ी होती है, युवती होती है, तब उसकी शादी परिणय सूत्र में वो बंध जाती है और अपने पति के घर को अपना घर मान करके पूरे तन और मन से सेवा करती है, वृद्ध सास ससुर की, माता पिता की, अपने पति की और जितने भी परिवार में पति के कुटुंब सगे संबंधी हैं सबके साथ अच्छा बर्ताव रख करके खरा निखरती है। ऐसी अनूठी कृति जब धीरे धीरे बड़ी होती जाती है, तो एक बच्चे को जन्म लेने के बाद उसका वात्सल्य रस देखिए, उसके वात्सल्य भाव देखिए, चोट माँ को लगती है, चोट बच्चे को लगती है, उसको एहसास हो जाता है, कहीं ना कहीं केमिस्ट्री ऐसी कनेक्ट होती है अपने बच्चे के प्रति कि उसको एहसास हो जाता है कि मेरे बच्चा कहीं पे दर्द में है, दुख में है। वहाँ पर उसका जो मार्मिक और ममत्व भावना होती है वो जागृत होती है और दुनिया से लोहा लेने के लिए तैयार हो जाती है अपने बच्चे को बचाने के लिए। इसी क्रम में जब धीरे धीरे और आगे बढ़ती जाती है, तो न जाने कितने ऐसे ऐसे घटनाएं चक्र आती हैं जहाँ पे महिला अपने ममत्व भाव से, अपने प्रेम से समस्त क्षेत्रों में विजय प्राप्त कर देती है। वैसे देखा जाए पुरुष से महिला की तुलना नहीं की जा सकती, पुरुष बहुत आगे हैं। बड़े बड़े नेता, डॉक्टर, इंजीनियर, पूरे विश्व को चलाने वाले ऐसी महान हस्तियां सारे एक स्त्री के गर्भ से ही जन्म लेती हैं। हम तुलना नहीं कर सकते हैं ऐसी स्त्री का, क्योंकि भगवान के द्वारा ये एक तोहफा है, एक अनूठी छटा है, ऐसी छवि है जो कि जिसका मुकाबला किसी के साथ नहीं है और इसके साथ किसी की तुलना की ही नहीं जा सकती। स्वयं भगवान महाशिव भी माता की आराधना करते हैं, उस माता से ही
क्योंकि पुत्री रूप में भी स्त्री का ही रूप होता है, मात्र रूप में भी पत्नी, प्रेमिका, बहिन, प्रत्येक कैरेक्टर्स में पत्नी का ही रूप है, और किस किस रूप से है ये आप जानते ही हैं। दिन भर काम करती रहती है लेकिन उफ नहीं करती है, क्योंकि भगवान ने उनकी आंखों में अश्रु दिए हैं, क्योंकि वो प्रत्येक दर्द को अपने अश्रु से निकाल देती है। प्रत्येक कितने बड़े भी जख्म क्यों ना हो, अश्रु बहा करके बड़ा सा दर्द भी पी लेती है। और रही बात सेवा, भक्ति भाव और सहायता करने की, तो सबसे आगे महिलाएं होती हैं। हमें महिलाओं की सेवा करनी चाहिए, उनको उनकी रक्षा करनी चाहिए, उनकी सुरक्षा करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी कृति हर व्यक्ति को भगवान का तोहफा है। और जिस घर में यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जिस घर में नारी की पूजा की जाती है उस घर में देवताओं का वास होता है। क्योंकि जब 16 श्रृंगार जब कोई स्त्री होती है, तो जैसे सती सावित्री का आपने उदाहरण देखा होगा, अपने पति के प्राणों को तक यमराज से ले आई है। माता अनुसुईया सती माता की बात आपने कही सुनी होगी, कि जब उन्हें ब्रह्मा विष्णु महेश को अपने जल से 6-6 माह के बच्चे बना दिए थे। ऐसी घटनाएं आए दिन आज समाज में होती आ रही हैं। हमें बच्चों के लिए ऐसे मॉरल एजुकेशन देनी चाहिए, ऐसी स्टोरीज सुनानी चाहिए, जिससे कि संस्कार, अच्छे संस्कार का जन्म हो हमारे बच्चों के अंतर्गत। क्योंकि हमारे बच्चों के अंतर्गत नैतिक शिक्षा का अभाव है, वो पुरानी संस्कृति को भूल करके वेस्टर्न कल्चर्स में जा रहे हैं। जरूर जाइए वेस्टर्न कल्चर में, लेकिन अपनी पुरानी संस्कृति को ना भूलिए। हमारे रामायण, महाभारत की गीता प्रत्येक में जो भी शिक्षा दी गई है, वो एक जीवन को जीने के लिए बेहतरीन शिक्षा है। इससे बेहतर ना तो कोई साइंस है, ना कुछ अन्य युक्तियां हैं। आप उनका अध्ययन कर लीजिए। तो मतलब हमें बच्चों को ऐसे संस्कार देने चाहिए जिसके घर में अच्छा वातावरण होगा, अच्छी बातचीत होती होगी, महिलाओं का बड़ों का सम्मान किया जाता होगा, तो निश्चित है उस बच्चे के अंदर ऐसी ही भावनाएं आएंगी। वो किसी का बुरा नहीं चाहेगा, वो बच्चा किसी को मारेगा नहीं, वो बच्चा किसी के प्रति गलत विचार नहीं रखेगा। लेकिन इसी के विपरीत अगर हम देखें, जिसके घर में हमेशा मार धाड़ और एक दूसरे की चुगली वगैरह करने की जो आदत होती है, वो बच्चा इतना बुरे प्रवृत्ति का बन चुका होता है कि वो किसी को मारने में या चोरी करने में या गलत काम करने में जरा सा भी नहीं सहजता है। क्योंकि उसको ऐसे संस्कार ये नहीं है, उसको ये नहीं बताया गया कि ये गलत चीज़ है। उसको वही चीज़ अच्छी लगती है जो उसके परिवार ने उसको सिखाया है, समझाया है, दिखाया है। रास्ता कौन दिखाता, परिवार दिखाता है ना। तो ऐसे अच्छे अच्छे विचारों का, महापुरुषों की जीवनियों का और वीरांगनाओं का, कहानियों के माध्यम से अपने बच्चों को अच्छा संस्कार देने की कोशिश कीजिएगा। मुझे विश्वास है कि आपका बच्चा बहुत अच्छा बनेगा, बहुत आगे तरक्की करेगा और एक दिन ऐसा लीड करेगा कि जैसे समस्त समुदाय का नेतृत्व करे और उनको अच्छी शिक्षा दे करके एक नई धारणा सोच विकसित करके कोई संगठन बनाए, कुछ बच्चों के बीच में बैठ करके उनको अच्छे अच्छे विचारों से अवगत कराएं, और जितने भी उनके अंडर में टोली होंगी सबके अंदर अच्छे विचार जाएंगे। अगर वो चारों दिशाओं में फैल जाते हैं तो जहाँ जहाँ वो फैलेंगे वहाँ वहाँ अपना परचम लहराएंगे, अपनी अच्छी जानकारी सब तक पहुँचाएंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं आगे मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के लिए, कुछ एक नए टॉपिक के साथ जो कि इंटरेस्टिंग हो और आपको उससे कुछ ना कुछ जानकारी अवश्य मिले। थैंक यू।